रानी उपखंड की ग्राम पंचायत किशनपुरा में सरपंच देवी चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की, जिसमें गायों में फैली लंपी स्किन डिजीज नामक बीमारी से बचाव व फैलने से रोकने के लिए डॉक्टर मदन सिंह राणावत ने लोगों को जानकारी दी। डॉक्टर राणावत ने बताया कि गाय के शरीर में गांठें हो जाती हैं और गांठ फटने पर रक्त प्रवाह होता है। इस पर मक्खियां बैठने दूसरे जानवर को हो जाती हैं। जिस गाय को यह बीमारी होने पर 14 दिनों तक बाहर नहीं छोड़ना व पानी में फिटकरी डालकर गाय को स्नान करवाना चाहिए। इस समय पटवारी शंकर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी महावीर सिंह, कनिष्ठ सहायक मोहन लाल मीणा, नारायण लाल सुथार, पशुधन सहायक रेवत राम, हंसाराम चौधरी, बाबूलाल हीरागर, भंवर लाल चौधरी सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। ये बैठक हुई थी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, तो किस बारे में थी और क्या मुद्दा थे? आज किशनपुरा पंचायत में गोष्ठी का आयोजन करके पशुओं मतलब कैटल में, गायों में लंपी स्किन डिजीज का प्रकोप हो रहा है। राजस्थान में काफी जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर में भयंकर केस मिल रहे हैं। अभी अभी 2-4 दिन से हमारे पाली जिले में भी केस आने शुरू हो गए। 2-3 दिन पहले यहाँ बॉडी में भी एक केस आया था, अभी आज केस और किशनपुरा में मिला है। तो किशनपुरा में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और कोरम के सरपंच और वार्ड पंच सबको वहां बुलाया और गांव के सब जो भी पशुपालक थे, जनप्रतिनिधि थे, उनको बुला के इस बीमारी के बारे में अवेयर कराया कि इस बीमारी की रोकथाम कैसे की जाए। और अगर गाँव में एक भी पशु अगर आपको पॉजिटिव मिलता है, इस रोग से ग्रस्त मिलता है, तो तुरंत हमारे को जानकारी दे, जो भी हमारे पास में दवाई वगैरह अवेलेबल होगी उसे ट्रीटमेंट करेंगे। और मेन चीज इसमें यह है कि पशु को मतलब वहां जानकारी यही दी गई कि जो पशु आपको प्रभावित मिलता है इस रोग से, उस पशु को बिल्कुल 14 दिन के लिए आइसोलेट करके रखें। आइसोलेट में यह है कि उस पशु को दूसरे पशुओं से अलग रखें ताकि वो पशु दूसरे पशुओं में बीमारी फैलाने का काम नहीं करें।